चलिए अब खबरें विस्तार से। मंत्री भंवरलाल मेघवाल को मेदांता के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। एसएमएस हॉस्पिटल से एयरलिफ्ट कर उनको गुड़गांव ले जाया जा रहा है। ब्रेन स्ट्रोक के बाद एसएमएस हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार उनके स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं। 7 विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम उनका इलाज कर रही है। तो एयरलिफ्ट कर मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल को मेदांता हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आसिफ लाइव जुड़ गए हमारे साथ। आसिफ, क्या कुछ जानकारी फिलहाल? दीक्षा, 6:30 का वक्त था जो तय किया गया था सरकार की तरफ से कि 6:30 बजे इसी स्टेट हैंगर गेट से जो है वो मास्टर भंवरलाल को जो है वो एयरलिफ्ट करके जयपुर से गुड़गांवा मेदांता हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। लेकिन लगातार 6:30 के बाद में इंतजार किया जा रहा है एयरपोर्ट के ऊपर। हालांकि कलेक्टर जोगाराम और पुलिस कमिश्नर जयपुर यहां पर पहुंच चुके हैं और खबर ये भी आ रही है कि खुद सीएम गहलोत उनको यहां पर सी ऑफ करने के लिए यहां पर पहुंचेंगे। पिछले कुछ दिनों से मंत्री मास्टर भंवरलाल यहां पर हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ब्रेन स्ट्रोक उनको आया था। उनके घर वालों ने मुख्यमंत्री के सामने इच्छा जताई कि इन्हें आज गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल के अंदर रेफर किया जाए। सीएमओ की तरफ से मेदांता हॉस्पिटल में बात की गई और उसके बाद के अंदर उन्हें कल मेदांता हॉस्पिटल जाना था, लेकिन दिल्ली के अंदर मौसम लगातार खराब बना हुआ था जिसके चलते उन्हें कल नहीं भेजा जा सका और आज सुबह 6:30 का वक्त तय किया गया। हम भी इंतजार कर रहे हैं, कुछ समय के अंदर मंत्री जो है वो एम्बुलेंस के जरिए यहां पर पहुंचेंगे। एयर एम्बुलेंस अंदर पहुंच चुकी है। उस एयर एम्बुलेंस के जरिए मंत्री मास्टर भंवरलाल को जो है वो गुड़गांव दिल्ली एयरपोर्ट ले जाया जाएगा और दिल्ली एयरपोर्ट से उनको जो है वो गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। और जो एयर एम्बुलेंस यहां पर पहुंची है उनमें मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम भी यहां पर पहुंच चुकी है। इंतजार किया जा रहा है कि कितनी देर के अंदर जो है वो काफिला मंत्री का, क्योंकि साथ में ये भी बताया जा रहा है कि रघु शर्मा जो है वो भी साथ हैं, सीएम भी यहां पर पहुंच सकते हैं। तो यहां पर इस वक्त दीक्षा हम इंतजार कर रहे हैं स्टेट एंगर गेट के ऊपर। यहां पर जो है वो जाप्ता लग चुका है। इंतजार किया जा रहा है कि कितनी देर के अंदर मंत्री यहां पर पहुंचेंगे। दीक्षा जी, आसिफ 6:30 का वक्त था, 7:05 हो रहे हैं। हम आपके साथ बने रहेंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या उनकी हालत स्थिर है? पहले बताया गया था हालत स्थिर है, क्या वो बात करने में सक्षम है अभी? बिल्कुल, जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक ये कहा जा सकता है दीक्षा कि उनकी हालत स्थिर है, क्योंकि मेदांता हॉस्पिटल के चीफ ने जो यहाँ के डॉक्टर से बात की उसके मुताबिक ये तय किया गया कि क्या उनकी ऐसी स्थिति है कि उन्हें एयरलिफ्ट करके एयर एम्बुलेंस के जरिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लाया जा सकता है। तो यहाँ के डॉक्टर्स ने उन डॉक्टर्स के साथ जो कन्वर्सेशन किया उसमें यही तय हुआ कि ऐसी स्थिति है कि उनको एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर एयर एम्बुलेंस के जरिए ले जाया जा सकता है। तो ये कहा जा सकता है दीक्षा कि उनकी हालत फिलहाल जो है ना वो स्थिर है और वो इस स्थिति में है कि उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए मेदांता हॉस्पिटल ले जाया जा सके। तो फिलहाल इंतजार है, हम भी कोशिश करेंगे यहाँ पर अगर रघु शर्मा यहाँ पर पहुंचते हैं, सीएम यहाँ पर पहुंचते हैं तो उनकी जल्द ही स्वस्थ होकर घर लौटे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बात पीएम मोदी के महापैकेज की। पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था। इसके बाद पिछले 2 दिनों से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मीडिया के सामने आकर पूरे पैकेज के बारे में सिलसिलेवार जानकारी दी। वित्त मंत्री सीतारमण गुरुवार को जब मीडिया से मुखातिब हुई तो उन्होंने प्रवासी किसान और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए। अगस्त 2020 से वन नेशन वन राशन कार्ड की ऐलान किया गया। वन नेशन वन राशन कार्ड से 68 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। 2 महीने तक प्रवासी मजदूरों को फ्री अनाज दिया जाएगा। बिना राशन कार्ड के भी 5 किलो अनाज, 1 किलो चना, फ्री अनाज का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। फ्री अनाज स्कीम पर 3,500 करोड़ खर्च किए जाएंगे। फ्री अनाज से 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को लाभ मिलेगा। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 5,000 करोड़ के फंड का ऐलान किया गया। स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 तक का लोन देने का ऐलान किया गया। शहरी गरीबों को सस्ते किराए पर घर पीपीपी मॉडल पर किराए पर रहने के लिए घर बनाए जाएंगे। हाउसिंग लोन पर सब्सिडी 1 साल के लिए बढ़ाई गई। मुद्रा शिशु लोन योजना में ब्याज राहत दी गई, 1,500 करोड़ रुपए की ब्याज राहत दी जाएगी। खतरनाक क्षेत्र में काम करने वालों के लिए ईएसआई, हर किसान को मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड। मिडिल इनकम ग्रुप है
जिनकी आय 6 लाख से 18 लाख तक की है उनके लिए 70,000 करोड़ का बढ़ावा देने वाली ऐसी योजना हम लेकर आए हैं, जिससे 6 लाख से 18 लाख की आय वालों को हाउसिंग सेक्टर में लाभ मिलेगा। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी दी है, जिस पर जो ऋण की लिमिट होगी वो 25,000 करोड़ होगी। ये ऐसे 3 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सुविधा नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेकर आई है। और ये 30,000 करोड़ 90,000 करोड़ जो नबार्ड देता है उसके अतिरिक्त है। और ये सारा पैसा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, इनके माध्यम से राज्यों को दिया जाएगा और इसका वितरण वहां पर किया जाएगा। आर्थिक पैकेज को लेकर प्रदेश कांग्रेस के कई नेताओं ने सवाल उठाए हैं कि इस पैकेज के जरिए लोगों के पास सीधे पैसा कैसे पहुंचेगा। सरकार जब डायरेक्ट लोगों से पैसा लेती है, पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर जो सस्ता होता है क्रूड ऑयल, उसके बाद पेट्रोल डीजल जो सस्ता होना चाहिए उसको सस्ता नहीं करके अभी 12 और 13 रूपये बढ़ाकर 1,10,000 करोड़ रूपये एक साथ सरकार निकटेगी। इससे पहले लगातार जब से क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है आप लगातार पेट्रोल डीजल पर पैसे ले रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि 2 महीने का राशन प्रवासी मजदूरों को देंगे, 2 महीने का राशन, सिर्फ 2 महीने का राशन। आप जो प्रवासी मजदूर अभी तक पैदल चल रहा है उसके लिए इस पैकेज में यह घोषणा नहीं कर पाए कि सारी सरकारें इनको बसों में लेकर जाए। अब हम सरकारें, राज्य सरकारें इनको खुद बसों में बैठाकर हम हमारे खर्चे पर छोड़ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ के पैकेज के घोषणा के अंतर्गत आज वित्त मंत्री ने जो घोषणा ही करी है वो सबसे बड़ा सवाल, कई सवालों में से खड़ा होता है कि कितना पैसा इस घोषणा में से आने वाले वित्त वर्ष के अंदर खर्च होगा। प्रधानमंत्री जी ने 2 दिवस पहले जो 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी उससे कुछ आशा बनी थी, लेकिन जिस प्रकार से वित्त मंत्री घोषणाओं को अब अंजाम दे रही हैं या रोड मैप प्रस्तुत कर रही हैं वो खोखले साबित हो रहे हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार जो राज्यों के मुख्यमंत्री के सुझाव थे उसको ना तो सुनना चाहती है और ना प्रमुख अर्थशास्त्री जो कभी ना कभी RBI के गवर्नर रहे हैं या इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उनकी राय को मानना चाहती है। आर्थिक पैकेज की दूसरी किश्त को जहां प्रदेश कांग्रेस ने आंकड़ेबाजी का खेल करार दिया है, वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने इसे प्रवासी मजदूरों, छोटे व्यापारियों और किसानों के लिए बड़ी राहत बताया है। जो घोषणाएं थी वित्त मंत्री के मुख से वो किसान के लिए, श्रमिक के लिए और मध्यम वर्ग को समर्पित थी। ऐसे अब जो 2.5 करोड़ नए KCC होंगे जो PM किसान के लाभार्थी हैं, लेकिन 2 लाख करोड़ की पूंजी में वो तमाम पशुपालक और मत्स्य पालक भी शरीक होंगे जिनको किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलेगा। इसी तरीके से 30,000 करोड़ रुपए नाबार्ड के जरिए, राज्य के सहकारी बैंकों के जरिए इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड के रूप में ये काम आएगा किसानों के कल्याण के लिए। इसी तरीके से शहरी तबके का गरीब, उसके लिए 11,000 करोड़ रुपए का SDRF के जरिए राज्यों के मार्फत प्रावधान है। 6,700 करोड़ रुपए कृषि उत्पादों के लिए राज्यों को मिलेगा। इसी तरीके से इस समय की जो ज्वलंत समस्या थी, हमारे 8 करोड़ प्रवासी श्रमिक जो इस कोरोना की महामारी के कारण अपने स्वदेश को लौटे, अपने प्रदेश में लौटे प्रवासियों के लिए सीएम गहलोत ने एक पहल की। वीडियो बनाने वालों से सीएम गहलोत ने अपील की है कि प्रवासियों की घर वापसी की लोकेशन शेयर करें। वीडियो बनाने वाले स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी दें ताकि जरूरतमंदों की मदद सरकार कर सके। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि देश भर में प्रवासी भाई बहन अपने परिवार के साथ पैदल अपने घर वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी तस्वीरें विचलित और दिल दहलाने वाली हैं। मेरी अपील है कि जो लोग इन वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं वो स्थानीय प्रशासन को उन लोगों की लोकेशन उपलब्ध करवा दें या वीडियो के साथ SMS पर डालें ताकि संबंधित राज्य प्रशासन द्वारा उन तक मदद पहुंचाई जा सके। कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही जंग को जीतने के लिए सीएम गहलोत ने क्वारंटाइन व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया है। एक रिपोर्ट। ये मंथन इसलिए ताकि गांव तक कोरोना का संक्रमण नहीं फैले और सरकार कोरोना को हराने के अपने संकल्प को पूरा कर सके।
बुधवार को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम गहलोत ने जिला कलेक्टर्स और उपखंड स्तर के अफसरों को कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए, जिनमें क्वारंटाइन सेंटर बनाने, क्वारंटाइन में रखे गए लोगों की मॉनिटरिंग के इंतजाम, क्वारंटाइन सेंटर्स पर भोजन पानी की व्यवस्था के निर्देश शामिल हैं, क्वारंटाइन के लिए जनप्रतिनिधियों की मदद लेने का सुझाव दिया। इसके अलावा सीएम ने ट्रेन से आने वाले लोगों की रेलवे स्टेशन पर स्क्रीनिंग, बसों से उन्हें मंजिल तक पहुंचाने की व्यवस्था, उन्हें रेलवे स्टेशन पर चाय नाश्ता उपलब्ध करवाने, जालौर, सिरोही, पाली जैसे जिलों को क्वारंटाइन व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने, डूंगरपुर और भरतपुर जैसे सीमावर्ती जिलों को भी प्रवासियों के समुचित इंतजाम के निर्देश दिए। सीएम गहलोत ने जिला स्तर पर जांच सुविधाओं को मजबूत करने के निर्देश दिए। अभी तक शहरों में कोरोना के मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब ये संक्रमण गांव में नहीं फैले, इसके लिए क्वारंटाइन व्यवस्था का सुदृढ़ होना बेहद जरूरी है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। पीसीसी चीफ और डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने गुरुवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों के खाद्य पदार्थ व्यापार संघों, कृषि मंडी समितियों और कृषि व्यापार संघ के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया और उनसे लॉकडाउन के कारण पैदा हुई समस्याओं को जाना और समाधान का आश्वासन दिया। चर्चा में प्रतिनिधियों ने कृषि विपणन विभाग के लगाए गए 2% कृषक कल्याण कोष फीस से होने वाली परेशानियों से पायलट को अवगत करवाया, इस पर पुनर्विचार करने की मांग की। चलिए ब्रेक के बाद अब बात कोरोना अपडेट की। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 78,000 के पार पहुंच गई है। देश में कोरोना से 2,549 लोगों की जान चली गई है। इलाज के बाद 26,235 पॉजिटिव मरीज स्वस्थ हुए हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में यह आंकड़ा 25,922 है। देश में कोरोना से इलाज के बाद 26,235 पॉजिटिव मरीज ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर 25,922 पॉजिटिव केस है, जबकि 975 लोगों की जान चली गई है। दिल्ली में कोरोना के 7,998 मरीज हैं, 106 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। गुजरात में 9,267 मरीज हैं, 566 की मौत हुई है। तो देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 78,000 के पार पहुंच गई है। अगर प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4,534 हो गई है। गुरुवार को प्रदेश में 206 नए पॉजिटिव केस सामने आए। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 125 हो गई है। प्रदेश में अब कुल 1,771 एक्टिव केस बचे हैं। ठीक होने पर 2,397 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं 4,534 में से 2,638 की रिपोर्ट नेगेटिव भी हुई है। ठीक होने पर 2,397 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया। गुरुवार 65 नए केस रिकवर किए गए, 53 को डिस्चार्ज कर दिया गया। और जिलेवार बात की जाए तो आंकड़े क्या कुछ कहते हैं, आइए मैं आपके जरिए देखते हैं। जयपुर में आंकड़ा देखिए, 1,362 सबसे ज्यादा, जोधपुर में 955, कोटा में 270, अजमेर में 242, टोंक में 144, चित्तौड़गढ़ में 142, नागौर में आंकड़ा 156 है, भरतपुर में 121, बांसवाड़ा में 68 और झालावाड़ में आंकड़ा 47 है। कोरोना काल ने मनोरंजन के पुराने साधनों को एक बार फिर जिंदा कर दिया है। दम तोड़ रही कलाओं को जीवन दान दे दिया है। एक रिपोर्ट। बचपन की याद दिलाती कठपुतलियां फिर सजीव होने लगी हैं। जी हाँ, अदृश्य से धागों में जादू पिरोता कलाकार और उसके जादू पर नाचती कठपुतलियां देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर रही हैं। पर तस्वीरें किसी पुराने समर कैंप की नहीं हैं। कोरोना काल ने बरसों पहले सजने वाली दादा दादी की पाठशालाओं को एक बार फिर आबाद कर दिया है। बाड़मेर की राय कॉलोनी में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक श्याम लाल सोनी अपने पोते पोतियों और नातिन को उंगलियों पर कठपुतली नचाना सिखा रहे हैं। इस साल के बाद में भी कोरोना का कार्यक्रम आया तो बैठे बैठे घर में क्या करें, तो मैंने कहा दो तीन कठपुतली पहले पड़ी हुई थी, तो मैंने ये
जैसे कांच की बड़ी हुई इसके अंदर भी कल्पना बनाना सिखाया। मस्ती की इस पाठशाला में स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए बच्चे नई नई चीजें सीख रहे हैं। दादा सिखाते हैं, अच्छा लगता है, फिर हम इसे सीखते हैं। इस कठपुतला सीखा, हमने एक नाटक भी किया था, वो सबको अच्छा भी लगा था, इसलिए हमें भी अच्छा लगता है, इसे मनोरंजन करती है सीखना। पुरानी सुनना ने बहुत ज़्यादा चलता था, इसलिए तो हमने सोचा आज इसको वापस स्टार्ट कर ले पुराने जमाने का वाला। फिर दादा ने बनाना स्टार्ट किया, फिर हमको नाटक दिखाना स्टार्ट किया। लॉकडाउन के दौरान जहां कई स्कूल छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, वहीं कई समझदार बच्चों को इस तरह के कार्य सिखाकर उन्हें व्यस्त रख रहे, ताकि सीखने की उनकी ललक बरकरार रहे। न्यूज 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देता की रिपोर्ट। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज 18।